दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। यानी कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई पुराना मोबाइल नंबर अपडेटेड है, वो मोबाइल नंबर अब बंद हो चुका है या फिर आप यूज नहीं करते हो, उसका एक्सेस आपके पास नहीं है। आपने कोई नया सिम खरीदा है, नया नंबर लिया है, अब आप उस नए नंबर को अपने अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। तो नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद आप नए मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड के साथ यूज करोगे इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई देता है अपना, इस पर टैप करना है। प्रोफाइल में आने के बाद इस 3 लाइन पर टैप करना है। उसके बाद अकाउंट सेंटर दिखाई देगा, इस पर टैप करना है। मेटा अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग के नीचे ये दूसरा ऑप्शन मिलता है, पर्सनल डिटेल्स, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का पर्सनल डिटेल दिख जाएगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो कॉन्टैक्ट इन्फो को चेंज करने के लिए इस पर टैप करना है। और अब यहाँ से आप अपने अकाउंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एड न्यू कॉन्टैक्ट इस पर टैप करना है। यहाँ से आप अपने अकाउंट में नया ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और नया मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए इस पे टैप करना है। अब आप अपना नया मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे जो भी अकाउंट में अपडेट करना चाहते हो। नया मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा कि नया नंबर ऐड करने से आपका पुराना मोबाइल नंबर रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी डिसेबल हो जाएगा इस मोबाइल नंबर के लिए। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर के अगेन नए मोबाइल नंबर के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। अब आपके नए मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है, ये कोड व्हाट्सएप पे सेंड किया जाता है। आप चाहो तो कोड को SMS के माध्यम से भी मंगा सकते हो। SMS के माध्यम से कोड को मंगाने के लिए इस पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप SMS में भी कोड मंगा सकते हो। नए मोबाइल नंबर पे आए हुए कोड को इंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है। इस तरीके से नया मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। यहाँ से क्लोज पे टैप करना है और अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नया मोबाइल नंबर अपडेटेड दिखाई देगा। आप सिमिलरली नया ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो और पुराने को चेंज कर सकते हो।